कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यानी मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का महीना है, परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय जो मास है वह है कार्तिक। क्यों? क्योंकि कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय हैं। इसी कारण शास्त्रों में बताया जाता है, विशेषतया स्कंद पुराण और पद्म पुराण में, कि जिस प्रकार से युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। कोई यदि पूछे कि ये कब आता है, तो कार्तिक वह माह है जिसमें अनेक उत्सव आते हैं, जैसे धनतेरस, दिवाली और श्री कृष्ण लीला में बहुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी और उखल बंधन लीला। वह इसका नाम कार्तिक क्यों है, तो इसका उत्तर यह है कि राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री हैं। वह राधा का एक नाम है कार्तिका। राधा सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम है कार्तिका, उसी कारण से इस माह का नाम है कार्तिक। एक अन्य कारण कुछ ऐसा है कि ये कार्तिक मास चातुर्मास का अंतिम महीना है, जिसकी गणना एकादशी से की जाती है। कुछ लोग पूर्णिमा से करते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विशेषकर पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं। वह चंद्र मास के अनुसार, जिसे चंद्रकाल गणना कहा जाता है, उसके अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर जिस नक्षत्र में चांद स्थित होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा जाता है। जैसे विशाखा नक्षत्र के पास जब चांद होता है पूर्णिमा की तिथि पर, तो उस महीने को विशाखा के पीछे वैशाख कहा जाता है। ऐसे ही जब पूर्णिमा में चांद कृतिका नक्षत्र के पास होता है, तब उस महीने को कार्तिक कहते हैं। साथ ही इसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर मास कहने का तथ्य यह है कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को दाम अर्थात रस्सी के साथ पेट यानी उदर से उखल के साथ बांध दिया था। इसके कारण कृष्ण का एक नाम पड़ा दामोदर, और इसी वजह से इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसके अधिष्ठाता देव हैं दामोदर। और यशोदा द्वारा बांधे गए भगवान के इस विशेष रूप की इस माह में पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भक्तवत्सल। वत्सल शब्द वत्स से आता है, जिस प्रकार से एक गाय अपने वत्स या बछड़े के प्रति तीव्र आसक्ति या प्रेम रखती है, ठीक वैसा ही प्रेम भगवान भी अपने भक्त के प्रति रखते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं तथा भक्त अपने भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और भक्त वत्सल भगवान का ये उत्कृष्ट गुण उनके प्रिय माह कार्तिक में भी आ जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह स्वल्पम अपि उरु कारकः है। उरु मतलब बहुत ज्यादा और कारकः यानी करने वाला। तो इसका अर्थ हुआ कि जो बहुत कम स्वीकार करके बहुत ज्यादा अपार मात्रा में देता है। तात्पर्य कि जो भी कार्तिक यानी दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की थोड़ी सी भी छोटी सी भी सेवा करता है, तो उसे अनेक गुना ज्यादा इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। बल्कि आचार्यगण कहते हैं कि यह दामोदर माह तो नजर रखता है कि कोई छोटी सी भी सेवा करे तो उसे ऋण मान लेते हैं, और कहते हैं कि अब उसे इतना लाभ दूंगा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हरिभक्ति विलास में बहुसंख्या में भिन्न भिन्न पुराणों से उद्धृत करते व श्रुति शास्त्रों से संकलन करते हुए सनातन गोस्वामी विवरण देते हैं कि कार्तिक व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के एकत्रित पुण्यों के एक भाग का, एक छोटे से भाग को भी यदि पलड़े पर रखें, और दूसरे पलड़े पर यदि पृथ्वी में सभी तीर्थों में स्नान करने, दान करने, यज्ञ करने का फल, पुष्कर में वास करने का फल,
पहाड़ के समान सोना यदि ब्राह्मणों को दान किया जाए उसका फल, और इस प्रकार जीवन भर किया गया पुण्य दान इस सबको एक तरफ रखें तो भी कार्तिक व्रत का पलड़ा ही भारी रहेगा। और यह पुण्य सदैव अक्षय रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता। तरह तरह से शास्त्रों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कहते हैं जिस प्रकार से यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि अर्थात जिसके छूने पर कुछ भी स्वर्ण का हो जाता है, तो यदि वह व्यक्ति उसके मूल्य को न जानकर उसको कूड़े में फेंक दे तो वह मूर्ख कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई जीव मनुष्य योनि प्राप्त करके भी कार्तिक मास में दामोदर भगवान की सेवा नहीं करता, कोई विशेष तपस्या व्रत इत्यादि नहीं करता, तो वो भी उसी मूर्ख व्यक्ति के ही समान है। अतः पुराणों में बहुत विस्तार से ये भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कार्तिक माह में कोई तपस्या व्रत सेवा इत्यादि नहीं करता उसकी क्या दशा होती है। अब आगे कि किस किस ने इस व्रत को किया, तो पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य की कथा में सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा आती है, जिसमें एक दिन सत्यभामा उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करती हैं कि आपकी इतनी पत्नियों में से मैं आपकी इतनी प्रिय कैसे बनी, और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग इत्यादि मैंने भ्रमण किया है, कृपया आप इसका रहस्य मुझे बतलाइए। तब भगवान सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि सत्यभामा पहले जन्म में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिसका विवाह देव शर्मा ने अपने शिष्य चंद्र शर्मा चंद्र से कर दिया था। कालांतर में देव शर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे, वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता और पति का अंतिम संस्कार उसे करना पड़ा। उसके बाद जीवन का निर्वाह करने का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह यही भावना रखी कि अब भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। और कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन दीपदान करना आरंभ किया। इसी बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद गुणवती ने पूजन अर्चन नहीं छोड़ा, और गंगा में स्नान करते समय एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह तभी बैकुंठ से विमान आया, उसमें विष्णु दूत गुणवती यानी तुम्हें आरोहण कराकर मेरे नित्य धाम में ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से आपको मेरी पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। इस प्रकार ऐसी अनेक कथाएं हैं। एक कथा और जो पद्म पुराण में आई है, जहाँ शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से पूछते हैं कार्तिक महिमा के विषय में, तो वे बताते हैं कि इस संदर्भ में जैमिनी ऋषि और वैशंपायन ऋषि में एक संवाद हुआ था, जहाँ एक मूषक यानी चूहे की कथा आती है जो बिल्कुल सत्य है। हुआ ये कि एक चूहा भगवान के सिंहासन पर चढ़ गया। वहां श्री राधा कृष्ण के विग्रह थे, वह उनके सामने एक दीपक जल रहा था। ये दीप बुझने ही वाला था कि तभी वहां वो चूहा आया। उसने सोचा कि शायद ये कुछ खाद्य सामग्री है, तो बाती को कुछ इधर उधर हिला दिया, जिससे वो दीप अब और भी अच्छी तरह जलने लगा। अनजाने में उस चूहे को दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य मिल गया, हालांकि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अब दीप को जलता देखकर वो वहां से डरकर भाग गया, बाहर चला गया जहां एक सांप था, और सांप ने उस चूहे को डस लिया, जिससे चूहे की वहीं पर मृत्यु हो गई। फिर वहां यमदूत आ गए, लेकिन कार्तिक मास में अनजाने में ही सही, लेकिन दीप प्रज्वलित करने के कारण उसको विष्णु दूत भी लेने आ गए थे, और इसीलिए यमदूतों को वहां से जाना पड़ा। वह उस चूहे को अनजाने में ही दीपदान के कारण वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इस तरह के अनेक प्रसंग हैं हमारे शास्त्रों में। वह इसे अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए, ये कोई दंत कथाएं नहीं, कल्पना नहीं, सत्य है। हमें विश्वास रखना चाहिए। कोई सोच सकता है कि हम तो कब से व्रत तपस्या दान दीपदान कर रहे हैं, हमें कब मिलेगा वैकुंठ? तो विश्वास रखें, फल मिलेगा अवश्य जब समय आएगा। अब अगला प्रश्न ये कि हम ये व्रत कैसे करें, तो इस माह में छोटी छोटी तपस्या हमें करते रहनी चाहिए, जैसे पलंग पर न सोकर जमीन पर सोने का प्रयास कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए, जप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए,
किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं, चाहे वो खाने की हो या पहनने की। भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम पूर्वक ही भोग लगाकर फिर उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दान करें, भगवान के श्री विग्रह के सामने कीर्तन करें, पुष्प चढ़ाएं। इस तरह शास्त्रों में कार्तिक माह के लिए विभिन्न व्रत बतलाए गए हैं, किंतु हमें उन व्रतों को ही प्रारंभ करना चाहिए जिसे हम पूरे माह निभा सकें। यदि पूरा माह करना संभव न हो तो संकल्प न करें, बस केवल अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करते रहें जितना कर सकते हैं। वह शास्त्रों में जितने भी व्रत हो सकते हैं उनका लक्ष्य केवल यही है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित, कि हमें सदैव भगवान का स्मरण हो, कभी भी उन्हें ना भूलें। और इसके लिए सबसे सरल व्रत है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन व श्री हरि नाम का उच्चारण। अगर कोई व्यक्ति परम भक्ति प्राप्त करना चाहता है, परम फल प्राप्त करना चाहता है, परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसको नाम संकीर्तन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब प्रश्न ये कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम कीर्तन और कथा श्रवण करें। उसके लिए मन का शांत होना, स्थिर होना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से और व्रत हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान, ध्यान करना। ये करने से हमारा मन सत्व गुण में रहता है तथा इससे हरि नाम का जप और श्रवण करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। इसके साथ साथ भक्त लोग भोजन पर भी नियंत्रण करते हैं, संतुलित डाइट लेते हैं, जिससे हमारा समय खाने पीने में ज्यादा न जाए। इसके लिए श्रेष्ठ है फलाहार लें। यदि ये संभव नहीं तो फलाहार के साथ एक समय व्रत वाला भोजन लें। यदि ये भी संभव नहीं तो एक समय भोजन लें, अन्न लें, बाकी समय फलाहार करें। और यदि ये भी मुश्किल है तो कोई बात नहीं, जैसे करते हैं वैसे करिए, वैसे ही रहिए, परंतु कार्तिक मास के कुछ सरल से जो व्रत हैं उनका पालन करने की कोशिश कीजिए। और वे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, दान देना, दीप दान करना और तुलसी सेवन करना, तुलसी की सेवा करना। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। वह स्नान करने के लिए भी कहते हैं कि ठंडे पानी में स्नान करें, लेकिन यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो ही गुनगुना पानी लें। फिर नाम जप व हरि कथा का श्रवण करिए। इसके बाद संध्या में प्रतिदिन भगवान दामोदर को दीप दिखाएं। दीप की बाती को आप या तो घी में या तिल के तेल में भिगा सकते हैं। वह फिर दीप को पहले अपने गुरुदेव को, फिर तुलसी महारानी को तथा उसके पश्चात दामोदर भगवान के चरणों में चार बार, दो बार उनकी नाभि में तथा तीन बार भगवान के श्रीमुख पर और फिर सात बार उनकी पूरी देह पर उस दीप को घुमाएं। उसके बाद उस दीपक को वहीं पर रख दें या तुलसी के गमले में रख कर वहीं पर बैठकर दामोदर अष्टकम का पाठ करें, जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित 8 श्लोक हैं, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसका पाठ सुबह व शाम अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही सरल व शक्तिशाली व्रत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, नाम जप, भगवत कथा का श्रवण, अध्ययन, कीर्तन व शाम को दीपदान और दामोदर अष्टकम का पाठ। ये है बड़े ही सरल पर हैं बहुत ही शक्तिशाली, और ये करने पर हमें और कुछ भी ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अंत में मास के पूर्ण होने पर व्रत संपन्न कैसे करें, तो आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आपने भोजन का कुछ नियम लिया है तो दोपहर को प्रसाद लें, वो भोजन करने से पूर्व कुछ भक्तों को या ब्राह्मणों को या भगवत भक्तों को प्रसाद खिलाने का प्रयास करें, कुछ उपहार दें उन्हें व भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो ये व्रत किया है कृपया आप उसे स्वीकार कीजिए और अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान कीजिए। और तब आप स्वयं प्रसाद लें और उसके पश्चात से अगले दिन से आप अपने डाइट में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये सब भगवान ने तय किया है, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम दुख से मुक्त हों। इसलिए भगवान हमें पुकार रहे हैं कि मेरे पास आओ, जिससे तुम्हें सही सुख मिलेगा, सही समाधान मिलेगा, सही आनंद प्राप्त होगा, जो आपका सही रूप से कल्याण करेगा। तथा ये
उनका अहंकार नहीं सत्य है। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक पिता अपनी संतान से कहता है कि मेले में जाते समय मेरी उंगली अच्छी तरह से पकड़ कर चलो, नहीं तो तुम वहाँ पर गुम हो जाओगे। तो ये पिता का अहंकार नहीं सत्य है। उसी तरह से सत्य है कार्तिक मास की महिमा, जिसमें भगवान मुक्त हस्त से कृपा बांट रहे हैं। इतनी महिमा है इस समय की। अतः आप सब भी कार्तिक मास का उसमें लगी सेल का लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक कर जाएं। और अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ते रहने के लिए देखते रहिए हरे कृष्णा टेलीविजन। बोलिए श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।